मेरे नबी की ज़िंदगी का दूसरा रुख के बतौर इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। पहला रिश्ता जो कायम हुआ दुनिया में वो है खामिद और बीवी, हजरत आदम और हव्वा का निकाह हुआ। अल्लाह ताला ने औरत को कमज़ोर बनाया तो पहले दिन से उसको इज्जत और एहतराम दिया ताकि सारी ज़िंदगी इस कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए बल्कि इसको इज्जत दी जाए। कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए मिट्टी इकट्ठी की, पानी डाला, गूंधा और एक स्टैचू बनाया और डाल दिया। जब वो खुश्क हुआ उसमें रूह डाली और फिर वो नंगे बदन थे, फिर उनको जन्नत के कपड़े पहनाए और जन्नत में डाल दिया। इस कायनात का हुसन भी औरत से है और जन्नत का हुसन भी औरत से है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, लेकिन बाबे जी दा दिल ही नहीं लगता, कल्ले कल्ले ही टुरे फिर दे। अब अल्लाह ने औरत को बनाने का इरादा किया तो अल्लाह एक ढेर मिट्टी का इकट्ठा करके औरत के लिए भी बना देता और उसका स्टैचू बना देता और उसको खुश्क होने देता, फिर उसमें रूह डालता, फिर उसको कपड़े पहनाता। आप हैरान होंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम सोए, आंख खुली तो देखा एक खूबसूरत हसीन औरत। ये बात अक्सर लोगों को मालूम होगी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के हसीन तरीन इंसान थे, और ये बात शायद किसी को मालूम नहीं होगी कि दुनिया की सबसे हसीन खूबसूरत औरत हजरत हव्वा है। हव्वा जिन पर बुढ़ापा आया ही नहीं, हजार साल के करीब जिंदगी गुजारी, बुढ़ापा नहीं आया। हजरत आदम और हव्वा करीब करीब उम्र थी, हजरत आदम की उम्र तो किताबों में मिल जाती है हजार बरस, लेकिन हजरत हव्वा की उम्र कितनी थी ये कहीं पढ़ने को मिला नहीं। इसलिए मैं अंदाजा करता हूँ कि करीब करीब होगी, बुढ़ापा नहीं आया, बीमारी नहीं आई। और हजरत हव्वा को मेंसेस भी नहीं आते थे। ये अजीब बात आपको बताऊँ, अल्लाह ने इतना जन्नत का उनके अंदर नमूना रखा। तो जब हजरत आदम की आंख खुली तो देखा एक हुस्न का पैकर, उन्होंने तो जन्नत ही भूल गई। कहने लगे ये अल्लाह हुन दिल ठरया जा, या ले कौन है? या तेरी बेगम? वाह जी वाह, मौजा ही मौजा। तो अल्लाह ताला ने निकाह पढ़ाया। सुभानअल्लाह, अपने नबी की शान दोबारा सुनो। तो अल्लाह ने कहा आदम अपनी बेगम का महर अदा करो। तो वो पूछने लगे क्या महर है? देखो एक बात सुनो, महर किसी की बेटी की कीमत नहीं होती। एक डॉलर हो या एक ट्रिलियन डॉलर हो, बेटी की कोई कीमत नहीं होती। ये एक निशान है कि इस बच्ची पर अब ये जो खामिद है वो मौत तक खर्चा इसके जिम्मे है, बीवी के जिम्मे खर्चा नहीं है। खामिद कमा के लाएगा और अपनी बेगम को खिलाएगा और बीवी घर की जिम्मेदारी निभाएगी। तो खैर वो अलग बात चली जाएगी। अल्लाह ताला ने कहा कि महर अदा करो। कहा जी क्या महर है? तो मेरे अल्लाह ने कहा तेरी नस्ल में मेरा आखिरी नबी आएगा, उस पर एक दफ़ा दरूद पढ़ दे, ये महर है। अच्छा, शुरू दिन से है कि मैंने कबूल किया। कबूल किया का मतलब है कि मैं इस लड़की को कबूल कर रहा हूँ, इसकी कमियों के साथ भी खूबियों के साथ। और जब लड़की कहती है साइन करना कबूल किया है या जबान से कहे कबूल किया है, तो ये इस बात की गारंटी है कि मैंने इस लड़के को खामिद होने के तौर पे कबूल किया, उसकी कमियों के साथ भी उसकी खूबियों के साथ। और जो ही शादी होकर डोली ससुराल के घर जाती है तो टेस्ट शुरू हो जाता है, की कर दिए, बांधी के में, उठींदी के में, बोल दी के में। और इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव किरदार है ससुराल का, कई लड़कियों का, क्योंकि हमने अपने नबी की जिंदगी नहीं कबूल किया। ये वाजिब है कहना कबूल किया, कि जिसमें पैगाम है कि अब मैं इसकी में कोई कमी है वो भी कबूल करूंगी, कोई खूबी है तसर माथे पर। और लड़का कहता है कि मैं इसे कबूल करता हूं, इसकी खूबियों के साथ भी कमियों के साथ भी। ये बात याद रखना, परफेक्शन कभी तलाश ना करना, परफेक्शन कभी तलाश ना करना। अल्लाह ने 100 नंबर नहीं मांगे, 51, एक नंबर ऊपर हो गया है। गुनाह तुम्हारे 50 हैं और नेकी तुम्हारी 51 है, तो उस एक पर हम तुम्हें जन्नत में डाल दें। अब कोई खामिद अपनी बीवी में परफेक्शन देखना चाहे, बीवी अपने खामिद में परफेक्शन देखना चाहे, सास ससुर अपनी बहू में, सास ससुर अपने दामाद में, भाई अपने भाई में, माँ बाप अपनी औलाद में, औलाद अपने माँ बाप में, जहाँ ये नज़र होगी तो वहाँ लड़ाई होगी। कमियों के साथ कबूल करो। कबूल का लफ्ज़ इतना वाजिब है, कबूल का लफ्ज़ इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर निकाह ही नहीं होता। मैं ये कई जगह लतीफ़ा सुना चुका हूँ और वाकई किस्सा भी है, ऐसे लतीफ़ा नहीं है। मेरे दोस्त हैं, ज़िम्मेदार हैं अच्छे,
तो उनके गांव का एक बच्चा छोटी उम्र में बसों पे जाके ना वो जॉब पे लग गया। तो उसका काम होता है बस को साफ करना, ड्राइवर को चाय पिलाना, और जहाँ कहीं रश हो तो उसको डायरेक्शन देना, उस्ताद जी कट लो, उस्ताद जी आण दो, उस्ताद जी जान दो। तो ये उसका मुहावरा बन जाता है। अब उसका निकाह हुआ तो मौलाना साहब ने कहा, भाई अब्दुलरहमान, मैं फ़र्जी नाम ले रहा हूँ, नाम मुझे उसका याद नहीं, अब्दुलरहमान ज़ैनब बिन्त असलम ने तेरे निकाह देता 500 महर तो कबूल किया? थोड़ी देर सोच के कहंदा जी आण दो। उसने सारी ज़िंदगी आण दो ही सीखा था। तो उसके भाई ने उसको कोहनी मारी तो कहने लगा, जी जान दो। मौलाना साहब ने कहा, आण दो जान दो, नलका में नहीं बढ़ना। तो आगे मैं कबूल किया। ये भी सही वाक्या सुना रहा हूँ। एक नौजवान ने बीवी को 3 तलाक दे दी इकट्ठी। अब हो गया परेशान, मौलाना साहब के पास गया, कोई मेरे जैसा होगा। मौलाना साहब 3 तलाक दे बैठा, कोई मसला का हराम, कह जी कोई रास्ता हराम, कोई गुंजाइश हराम। उसने जेब से मोटा सा लिफाफा निकाला और मौलाना के जा नमाज के नीचे डाल दिया। क्या मौलाना साहब कोई गुंजाइश? अके हूँ तो सोचना ही पवे की आख्या आई तू अपनी बेगम ने? उस आख्या जी मैं आख्या ही 3 तलाक। उसके मुबारक को भी तलाक नहीं हुई। आख्या जी वो किमें? अखे वो जड़ा ये तलाक है अरबी दलाफ, इससे चाखना पमदा है तलाक। ये आपको सही वाक्य सुना रहा हूँ। तो तुमने तो छोटे काफ के साथ कहा है तलाक, वो काफ तो कुत्ते आला है। मौजा कर, एक लिफाफा होर आवे तो चाहे सारी जिंदगी दा हलाल कर दे। लफ्ज़ कबूल इतना ज़रूरी है। तो मेरे नबी ने 11 शादियाँ की, अल्लाह की कसम शौक की नहीं थी। मा तज़व्वज तो व मा ज़व्वज तो इल्ला बिवहयिन मिन अस्समा नज़ल बिही जिब्रील। का लोगों सुन लो मेरी बात गौर से, मुझे औरत की कोई रग़बत नहीं है। मैंने जहाँ शादी की, जहाँ बेटी की शादी की, पहले अल्लाह ने आसमान से जिब्रील भेज के हुक्म दिया, फिर मैंने कदम उठाया। तो पहला रिश्ता खाविंद और बीवी है जो इस कायनात में जुड़ता है। ये दुनिया का सारे रिश्तों में नंबर 1 रिश्ता है, सबसे खूबसूरत रिश्ता है, सबसे अहम रिश्ता है, सबसे बड़ा रिश्ता है। वालदैन के लिए चंद आयात हैं, औलाद के लिए चंद आयात हैं, बहन भाइयों के लिए चंद आयात हैं, खाविंद और बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों। तो अगर आप अपने घरों में कामयाबी देखना चाहते हो, अपने घर को हाउस की बजाय होम देखना चाहते हो, खुशी का अगर आप उसे गहवारा बनाना चाहते हो, अल्लाह की कसम डिग्रियों से नहीं होगा, मोहब्बत से हो। मेरे नबी ने सवाल किया, बोलो भाई इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज। नहीं, अभी मैं नमाज की कितनी अहमियत बता चुका। उन्होंने अर्ज किया जिहाद, आपने फरमाया नहीं। तो सहाबा ने अर्ज किया रोज़ा, आपने फरमाया नहीं। या रसूलल्लाह हज, आपने फरमाया नहीं। तो सारे सहाबा हैरान हो गए, या रसूलल्लाह नमाज, जिहाद, रोज़ा, हज, तो फिर क्या है? अब सुनना सारे बहन भाई, मस्तूरात, बच्चे बच्चियाँ। आपने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत और बड़ा अमल है आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। अगर आप अपने घरों में हुसन देखना चाहते हो तो एक दूसरे से मोहब्बत करो, इजहार मोहब्बत करो। और मोहब्बत के पैदा होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लपेट के 2 में कर लेता हूँ। 2 में, बीवी की खूबी देखो, कमी ना देखो। खाविंद की खूबी देखो, कमी ना देखो, पहली बात। दूसरी बात, इस जबान से जहर ना उगलो मोहब्बत के फूल। इस जबान से कड़वे जुमले ना हों, तंज ना हो, टॉन्टिंग ना हो, बेजन ना करो, इंसल्ट ना करो, तो आपके दिल जुड़ जाएंगे। याद रखो, शक्लों से ज़िंदगी आबाद नहीं होती, ज़िंदगी अखलाक से आबाद होती। तो अपने घर से टॉन्टिंग निकाल दो। न कहा का मतलब है बारिश का ज़मीन में जज्ब होकर यकजान हो जाना। 2 जिंदगियों का मोहब्बत में जज्ब होकर यकजान हो जाने को निकाह कहते हैं। न कहा
आंखों में नींद का उतर के सुला देना, न कहा खामिद और बीवी का ऐसी मोहब्बत देना कि चैन की नींद आ जाए, न कहा एतमाद करना, भरोसा करना, खामिद बीवी पे भरोसा करे, बीवी खामिद पे भरोसा करे, ए नोवे लुक लुक के फोन चेक को रहे हो, कॉल कितने की थी, कॉल कितने की थी। इज्जत दो, एतमाद करो। चौथा मतलब, दरख्त का छांव बना देना, ना कहा मियाँ और बीवी, खामिद और बीवी का मोहब्बत की ऐसी छांव बनाना कि उसके नीचे औलाद का पौधा खूबसूरती से पैदा हो सके, ना कहा, सिर्फ लफ्ज लिखा के मतलब बता रहा हूँ, ना कहा मरीज को, किधर डॉक्टर बैठे हैं मेरे सामने बैठे हैं, मरीज को दवा ऐसी देना कि वो शिफा याब हो जाए, आपस के ऐसे ताल्लुक बनाना कि ज़िंदगी को शिफा मिल जाए। मेरे भाई बहनों, मैं आपको अपने नबी की ज़िंदगी बता रहा हूँ, मेरे नबी ने 11 शादियाँ की, अल्लाह जुल जलाल की कसम, सिर्फ हमें ज़िंदगी सिखाने के लिए कि घर की ज़िंदगी कैसे होती है और औलाद को कैसे पाला जाता है। आप लोग क्या मजबूरियां हैं कि औरत भी जॉब करती है, मर्द भी जॉब करता है, औरत की सबसे बड़ी जॉब अपनी नस्ल को पालना होता है। जब यहाँ टाइम नहीं मिलता बच्चे को, ना माँ से मिलता है ना बाप से मिलता है, तो फिर वो जंगल का पौधा बन जाता। ये तो वैनकूवर है, फैसलाबाद की बात सुनाता हूँ। मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे उनके प्रिंसिपल से मेरी दोस्ती थी, मैं मिलने गया एक दिन, तो कहने लगे जी अजब वाक़या हुआ है कि यहाँ दो बच्चे पढ़ते हैं, उनकी माँ भी डॉक्टर है और बाप भी डॉक्टर है, तो वो दोनों आए हैं मेरे पास कि हमारे बच्चों ने 3 दिन हो गए हैं घर में खाना नहीं खाया, तो हम परेशान हैं, हमें बताते नहीं, काइंडली आप पूछ के बताएं कि वो खाना क्यों नहीं खा रहे। तो उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया, सुनना सारे फैमिलीज बैठे हो ध्यान, मैं फैमिली की ज़िंदगी को फोकस करके नबी से जोड़ के बता रहा हूँ, तारिक जमील के तजर्बे नहीं बता रहा। दोनों बच्चों को बुलाया, बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रहे, कहा जी हम अपने मम्मी और बाबा के सामने नहीं बताएंगे। तो उन्होंने दोनों को बाहर बैठा दिया, फिर पूछा अब बताओ क्या मसला है। उनका सर हम सुबह जब नाश्ता करते हैं तो हमारे मम्मी डैडी सो रहे होते हैं, हमारी इनसे मुलाकात नहीं होती, जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो मम्मी डैडी अपने मेडिकल कॉलेज में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो हमें इनको देखने का मौका नहीं मिलता। शाम को जब हम खाना खाते हैं तो ये दोनों अपने प्राइवेट क्लिनिक में होते हैं, तो हम इनको देख नहीं पाते, पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाता है, हमें माँ बाप की शक्ल नज़र नहीं आती। तो हमने स्ट्राइक की है कि ऐसे माँ बाप की रोटी क्या खानी जो अपनी शक्ल भी ना दिखा सकें, तो इसलिए हमने कहा हमने बायकॉट किया है, घर में नहीं खाना है। तो ऐसी लाइफ मत बनाओ। यहाँ एक बहुत बड़ा चक्कर शैतान देता है, बड़ी गाड़ी ले लो, $100 की किस्ती तो है, और बड़ा घर ले लो, $200 या $100 की किस्ती तो है, फिर मियाँ भी काम करे, बीवी भी काम करे, जो कि बड़ा घर बाकी रहे, तो खुशियाँ तो मिट गईं जो डबल जॉब करेगा। फिर डबल जॉब करते हैं, डबल जॉब करने वाला बेचारा थका हुआ जहन लेके आता है, वो कैसे टाइम देगा अपने बच्चों को खुशी के साथ। जो माँ जॉब करके आएगी फिर खाना पकाएगी, वो जब इतनी थक जाएगी तो अपने बच्चों को खुला टाइम कैसे दे सकेगी। पूरी कायनात की जिम्मेदारी थी मेरे नबी के सर पर, और आप इसके बावजूद रोज़ाना हसन हुसैन के लिए वक्त निकालते थे, और उन्होंने आकर कोई लेक्चर नहीं, देखो माँ बाप से एक बात करता हूँ, लेक्चर थोड़ा दो, मोहब्बत ज़्यादा करो, ये ना करो, ये क्यों किया, ये करो, ये करो, ये छोड़कर सिर्फ सीने से लगाओ, फिर मोहब्बत दो, कमियों समेत बच्चों को कबूल करो, उनकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। इतने बड़े नबी, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी और इतना दर्द सीने में कि आपके सीने से ऐसे उबलने की आवाज़ आती थी जैसे हांडी उबलती है, इसके बावजूद आप रोज़ाना कहते ऐन लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं, आ तो वो भागे भागे आते, देखो मैं फिजिकल करके बताऊंगा ताकि आपको पता चले ज़िंदगी कैसे गुजारी, कहा मेरे शरारती बच्चे किधर हैं। 7 बर्रे आज़म की जिम्मेदारी है, और थोड़ी छोटियाँ छोटियाँ जाबन, तो तुसी कहते हो बिजी बड़े हैं, बिजी बड़े हैं,
मेरे नबी पे 7 बर्रे आज़म के इंसानों की जिम्मेदारी है और आखिरी आने वाले इंसान तक की जिम्मेदारी है, इससे बड़ी जॉब किसकी होगी कायनात में। और फिर आप रोज़ाना आते हैं, ऐनल लुका, मेरे शरारती बच्चे किधर हैं, तो हसन हुसैन भागे भागे आते, आप उनके लिए यूं हो जाते थे, आओ भाई मेरी कमर पे चढ़ जाओ। अपने नबी की अजमत को जानो कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे सिखाई। चांद के 2 टुकड़े कर देना कोई मामूली बात है, आसमान चीर के चले जाना मामूली बात है, एक ज़िंदगी सिखा के जाना सबसे बड़ी बात है। कितनी औलादें बर्बाद हो गई माँ बाप की वजह से, कितने घर उजड़ गए सास ससुर की वजह से, कितने घर उजड़ गए लड़की के बदतमीज़ होने की वजह से, कितने घर उजड़ गए लड़के के शराबी और बाहर की गंदगी की वजह से। ज़िंदगी सीखो, ये इतने बड़े नबी होकर आप यूं हो रहे हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया, दोनों को ऊपर बिठा लेते और कमर में चक्कर लगाते थे, फिर यूं करके पूछते तुम्हारा ऊंट कैसा है, सवाल, फिर दोनों को उतार देते और अपनी बेट नवासी ज़ैनब जिनको हज़रत अली की वरासत मिली किसकी, इल्म की, फसाहत और बलागत की, उनको कमर पे बैठा लेते और अकेली ज़ैनब को पूरे घर में चक्कर लगवाते थे। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, क्या सिर्फ कमाना ही काम है। उधार की ज़िंदगी से बचो, खुश व खुर्रम रहो, इसको किस्त देनी है, ये किस्त देनी है, ये किस्त देनी है, ये देनी है, सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा। तो आप इतने बड़े अजीम होकर वक्त निकाल रहे हैं। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरी आंखों ने देखा, देखना सारे, कि आपने कभी हसन कभी हुसैन, या जैसे माएँ करती हैं इधर खड़ा किया हुआ है और झूला झूला रहे हैं ऐसे, और उनके दोनों हाथ पकड़ कर कह रहे हैं आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ आगे पहाड़ी है, ऊपर आ जाओ आगे पहाड़ी है, तो ऐसे ऐसे आते और ऊपर आओ वो यहाँ आ जाते, आगे आओ वो यहाँ आ जाते, आगे आओ वो यहाँ आ जाते, तो फिर आप यूँ हो जाते, आगे आओ तो चढ़ते चढ़ते यहाँ आ जाते, यहाँ वो यहाँ आ जाते, तो आप उनके हाथ फिक्स करके आगे बढ़कर उनके होंठों का बोसा लेते और कहते या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। भाई अल्लाह की कसम, पैसे सोने चांदी से ज़िंदगी में खूबसूरती नहीं आती, नबी की ग़ुलामी से ज़िंदगी में खूबसूरती आती है।